तो टॉपिक का नाम है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एक गैल्वेनोमीटर है जो टेंजेंट लॉ को यूज करता है और करंट को मेजर करके बताता है। इसके अंदर ये मशीन है, बिल्कुल याद नहीं करनी, डायग्राम तो बस देखना ही है, कुछ करना तो है नहीं इसमें। ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के, नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तुम बटन दबाओगे टू, इसमें दो टर्न्स एक्टिवेट हो जाएंगे जिसमें दो टर्न में करंट जाएगा। तुम बटन दबाओगे 50 टर्न्स एक्टिवेट हो जाएंगे, 50 गुना टाइम मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तुम बटन दबाओगे 500 टर्न्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये ऊपर डिब्बी मैग्नेटिक नीडल की डिब्बी है, ये घूम सकती है मैग्नेटिक नीडल ऐसे, ये रही। और इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर बड़ा सिंपल काम करना है। एक मैग्नेटिक नीडल है ये रही, इसको ना फ्रीली सस्पेंड कर दो, छोड़ दो जैसी भी है कोई बात नहीं। मान लो यहाँ के रुक गई, कहीं तो रुकेगी, यहाँ पे रुक गई। जहाँ वो रुकेगी वहाँ पे अर्थ का एच है, क्योंकि वो रुकती कहाँ पर है, अर्थ के एच पे। तो तुम ये जो ऊपर जो कॉइल देख रहे हो ये टर्न कर सकते हो, अलाउड है टर्न करना, पेच लगे हुए हैं टर्न हो जाती है। तो तुमने जहाँ ये सुई रुकी बिल्कुल उसके साथ जाके इसको टिका देना है। यहाँ रुकी तो यहाँ टिका दो, ऐसे कर दो। यहाँ रुकी तो ऐसे कर दो, इसके ऊपर आना चाहिए। करंट को इसमें ऑन करो, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, करंट ऑन हुआ तो देखो बी जनरेट हो गया, फील्ड जनरेट हो गया एफ। अब देखो एफ और एच 90 डिग्री पे हैं, एफ इधर है, एच इधर है, 90 डिग्री पे हैं। बीच में कौन फंसा हुआ है, मैग्नेटिक नीडल। ये मैग्नेटिक नीडल अब एच और एफ के कहीं बीच में अटक जाएगी। ये अर्थ का फील्ड कहता है इधर चल, ये फील्ड कहता है इधर चल, बीच में अटक गई। और बीच में जब अटकती है तो क्या फॉर्मूला लगता है, एफ इज इक्वल टू एच टेन थीटा। और हमने फील्ड कितना अप्लाई किया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n इंटू आई बाई आर और इज इक्वल टू टेन थीटा, इक्वेट करके आई निकाल लेने आंसर आ गया। इसके अंदर ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट है, इस पूरी टर्म को जी को छोड़ के यहाँ से सब कैंसिल कर लेना, कैंसिल करके एच को ऊपर छोड़ दो, 2r नीचे ले जाओ, इसको जी पुट कर दो, इसको गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का, हाउ टू मेजर करंट। नहीं आता, आ गया बाई चांस अगर आ गया तो आपको बस यही रूल याद रखना है, बाकी पेपर में देखेंगे क्या होगा, सिंपल है। आइडिया समझ में आई गया, कैफ इक्वल टू एच टेन थीटा अप्लाई करने बाद खत्म, नहीं आएगा वैसे।